निकले यहाँ न्यू शॉप ऑन हुई थी तो मैंने कहा चलो यहाँ से आकर खा लेती हूँ, काफ़ी अच्छी शॉप। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू ऑर्डर किया इसलिए मैंने कहा चलो इसका टेस्ट करके देखते हैं। तो जी गाइस अभी मैं और टॉम आए हैं ऊपर छत पे और ये यहाँ पे पहली बार आया है इस वजह से डर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है तो अभी मैं करने लगी हूँ अपना काम। सब्जी बनानी थी आज, हांडी बनानी थी अरवी और उसके साथ चिकन, तो वो बनाने लगी हूँ। तो अभी मसाला वगैरह ग्राइंड करने लगी सुबह उठते साथ ही। सबसे पहले ये काम किया है, अरवी वगैरह मैंने काट के रख ली थी पहले, अभी उसे भी अच्छे तरीके से वॉश करती हूँ और बाकी कटिंग वगैरह करके रख दिया। अब उन चीज़ों को ग्राइंड करना, उसके बाद आपको साथ साथ अपनी रूटीन दिखाती रहूँगी। तो जी यहाँ पर मैंने प्याज मिर्चें और साथ में टमाटर काट के रख लिया है, अभी इसको अंदर से करते हैं ग्राइंड। डाल दिया तो इसको फटाफट कर लेती हूँ ग्राइंड। इसमें मैंने ये वाले दो चमचे घी के डाल दिए अंदर, तो अभी ये गर्म होता है तो फिर प्याज टमाटर का पेस्ट इसके अंदर डालूंगी। तो जी यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इस टाइम डाल दिया है और अभी इसकी कुछ ये कंडीशन है क्योंकि अदरक जो था मैंने उसके अंदर डाल दिया था खाने में। मैं जो अदरक था वो मैंने पहले ही डाल दिया था, घी डालते घी गर्म हुआ उसके साथ अदरक डाला। अदरक डालने के बाद वो जब बिल्कुल थोड़ा सा रेडिश होने लग गया था तो फिर मैंने इसके अंदर ये भी डाल दिया पेस्ट। अब इसको ये करूँगी सारा कुछ अच्छे से, तो आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो मैं अभी चिकन को कर रही हूँ अच्छे से फ्राई। इसमें जूम इसीलिए किया है क्योंकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो अभी मैंने यहाँ पे चिकन निकाल के रख दिया है और यहाँ पे मैंने डाली है अरवी। अभी अरवी अच्छे से इसको करूँगी फ्राई ताकि ये सही हो जाए। ये देखिए चिकन मैंने पहले इसीलिए बाहर निकाल के रख दिया क्योंकि आपको पता है चिकन जल्दी से फ्राई हो जाता है, गल जाता है, तो अरवी है वो थोड़ी सी पहले अच्छे से गलेगी, उसके बाद जाके फिर मैं इसके अंदर दूसरा दोनों को मिक्स करके थोड़ा पानी वगैरह लगा के फिर इसको बंद करूँगी। और ये हमारी बेटी देखो पूरा पानी वानी पी के खुद को कितना गंदा करके रखा हुआ है इसने, और ये अभी इधर चुप करके बैठी है कि मुझे गोश नहीं दिया। और जो इसका बेटा है वो तो वहाँ नाच रहा है, डांस कर रहे थी, डांस कर ले क्यूट, बड़ा शरारती है ये। और ये हमारी चिक्कू, चिक्कू कितनी गंदी लग रही है इस टाइम, ये इसको देखने का दिल नहीं कर रहा। ब्राउनी ये क्या कर लिया खुद के साथ है। तो इसमें मैंने अभी दोनों अरवी मैंने अरवी और चिकन दोनों डाल दिए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तीन ग्लास मैंने इसमें पानी डाले हैं, अब इसको मैं करने लगी हूँ बंद प्रेशर पे अच्छे से। तो अभी इसके अंदर मैंने अरवी डाल दी है, अब इसको मैं लगाने लगी हूँ प्रेशर। इसमें मैंने डाले हैं तीन ग्लास पानी के, तो फटाफट इसको प्रेशर लगा देती हूँ। ठीक है अभी मैं और टॉम आए हैं ऊपर छत पर और ये यहाँ पर पहली बार आया है इस वजह से डर रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो इसको अभी छत पर लेके जाते हैं। देखो जी बाय बाय करो, इधर छत पे बाय बाय कर दो, चलो छत पे करो बाय बाय, नहीं करना डर रहा बहुत ज़्यादा डर रहा। टॉम तो टॉम को इस टाइम बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और ये देखें ये क्या हरकतें कर रहा है, बहुत छलांग लगा दी इसने। और मैंने टॉम के लिए यहाँ पे चारपाई बिछाई है और टॉम है जो डरे जा रहा है, डरे ही जा रहा है, अगर गोद में रखो तो सही रहता। टॉम टॉम लो जी गया, और टॉम सबको बाय बाय करो। टॉम आज पहली बार छत पे आया और बाय बाय करने लगा सबको, नहीं करनी जी आज तो मूड बड़ा ही ऑफ है टॉम का। टॉम क्या है, लो लो जी यार, मैंने कहा टॉम की थोड़ी सी वीडियो बना लें तो यहाँ आके बैठ गया चुप करके, कहीं साथ वालों के घर ही छलांग ही ना लगा दे, जानवर है इसका पता भी कोई नहीं होता। टॉम इधर देखो टॉम, और टॉम सिर्फ बोल रहा है, न्यू जगह है ना सारी यहाँ आसपास इस वजह से आया शायद, बोल रहा पहली बार आया ना। टॉम टॉम वो डर गया। चलो जी ठीक है, टॉम नहीं बोलना चाहता कुछ, डर रहा है, बाय बाय भी नहीं करना चाहता तो ना करे, ओके टॉम की मर्जी है भाई। टॉम क्या बात है टॉम, मैं हूँ क्या, डर रहे हो, वो गहराई से डर रहा है नीचे ना, काफ़ी गहराई लग रही है इसे, इस वजह से टॉम डर रहा है। टॉम सोया हुआ था तो मैं टॉम को ऊपर ले आई, मैंने कहा चलो काफ़ी दिन हो गए हैं छत पे नहीं गई, तो अभी देखें ये कैसे डर रहा है और यहाँ मेरे पास आ रहा है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं टॉम मेरे साथ ही आ जाए ऊपर छत पर। अब इस टाइम ये इतना डर रहा है, मुझे 5-10 मिनट हो गए अभी छत पर आए हुए और इसने ये करना शुरू कर दिया,
मैं अगर इसको थर्ड फ्लोर पे भी छोड़ती हूँ तो वहाँ भी नहीं जाता, क्योंकि इसको तो सबसे नीचे वाले फ्लोर की आदत है या सेकंड वाले पे। अब मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, मैं फिर इसे छोड़ने जाऊँ, फिर रहूँ, फिर 10 मिनट बाद मैंने ख़ुद भी नीचे जाना है, तो ये टॉम पता नहीं कैसे चुप होगा। इसकी माँ भी छत पर कभी नहीं आती, वो भी इस तरह डरती है। मैंने कहा चलो ये आदि ना हो जाए, इसलिए मैं आई थी इसको लेकर, लेकिन ये भी वही हरकतें कर रहा है जो इसकी माँ वाली हैं, वही डरना और घबराना हर चीज़ से। खैर देखते हैं, थोड़ी देर रख के जाए सही हो जाए, चुप हो जाइए। टॉम चुप हो जाओ, चुप नहीं हो रहा टॉम। टॉम है मुझे इस टाइम बहुत तंग कर रहा है, तो मैंने सोचा इसको मैं छोड़ाती हूँ नीचे वाले फ्लोर पे, ताकि ये मुझे तंग करना बंद कर दे। और टॉम साहब है, उनको मैं नीचे लेके जा रही हूँ। तो टॉम को छोड़ दिया मैंने सेकंड फ्लोर पे, पता नहीं इसकी माँ किधर है, पहले तो यहीं बैठी हुई थी, अब देखते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, तो आज मेरा दिल था कि मैं बाहर जाके कुछ खाऊं पीऊं, तो जैसे कि कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं बाहर गई थी, तो कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे कमेंट और जिनका मैसेज भी आया था कि आप थोड़ा बाहर जाके भी अपने व्लॉग वगैरह शूट किया करें, तो मैंने कहा चलो अब मैं रोज़ नहीं तो एक दो दिन बाद तो बाहर जाऊँगी, ताकि आपके लिए भी कुछ न्यू हो जाए। वैसे भी घर की रूटीन भी दिखा देता है इंसान, लेकिन 50-50 सब कुछ दिखा देते हैं, जैसे थोड़ा सा घर की रूटीन का दिखा दिया, थोड़ा सा बाहर का दिखा दिया, तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज मैं बाहर जाती हूँ। कल जब मैं गई थी तो वहाँ पे एक जगह पे मैंने एक शॉप देखी थी न्यू, मैं कल बाहर गई थी तो वहाँ पे मैंने एक शॉप देखी थी न्यू आइसक्रीम की, ओपन हुई हुई थी, तो मैंने कहा चलो अब इसको कल जो है ना जाके तो इसके लिए ट्राई करेंगे आइसक्रीम की, इसकी कैसी होती है कैसी नहीं होती। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ, तो अभी कर लेती हूँ अपने कपड़े वगैरह चेंज, ताकि वहाँ जाऊँ और मैं बाहर जाऊँगी। तो अभी मैं यहीं आइसक्रीम खाने के लिए, पीछे कोई न्यू जगह ओपन हुई थी तो मैंने कहा चलो आके देख लेते हैं क्या है, कैसा है कैसा नहीं है, तो देखते हैं अब बाहर से क्या व्यू है। तो यहाँ पे भी मैं आई हूँ आइसक्रीम खाने के लिए, यहाँ न्यू शॉप ऑन हुई थी तो मैंने कहा चलो यहाँ से आकर खा लेती हूँ, काफ़ी अच्छी शॉप है यहाँ पे ऑन हुई, ओपन हुई है अभी न्यू। इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैंने कहा चलो न्यू जगह पे है तो आते हैं खा लेते हैं, मैंने ऑर्डर का कर दिया, अब आगे देखते हैं क्या टेस्ट है क्या नहीं है। तो यहाँ पर जो फेमस फूड ब्लॉगर है, मुझे इसका नाम नहीं आता लेकिन फिर भी इसका भी ये भी आया हुआ इधर, तो यहाँ पे मैंने एक न्यू ऑर्डर किया आइसक्रीम, मैंने कहा चलो इसका टेस्ट करके देखते हैं कैसी है कैसी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें ऑर्डर करवाई हैं, और पहले मैं इसका टेस्ट करने लगी हूँ। काफ़ी अच्छी है, ठीक है, न्यूट्रेला वाली थी इसीलिए जम रही है मुँह में बहुत ज़्यादा, ये भी सही है, अच्छा है। ये इनकी शॉप का नाम है, यहाँ ये इनकी शॉप का नाम है। तो मैं यहाँ पे आई थी थोड़ा आउटिंग करने के लिए, तो मुझे यहाँ का अच्छा लगा, कुछ नॉर्मल है, अच्छा टेस्ट है, मैंने कहा चलो आपके लिए भी कुछ नहीं हो जाएगा। काफ़ी लोग कहते हैं बाहर आके भी वीडियो बनाया कि भी थोड़ा सा अटैच कर दिया अपने बाहर का भी, एक दो लोगों ने मुझे कहा था, बाकी मैं किसी ने भी नहीं कहा था, मैंने कहा चलो बाइक आपसे बना लेते कुछ नहीं होटेगा। तो यहाँ पे न्यू शॉप ओपन हुई थी, कल मैं बाइक से गुजर रही थी तो मैंने देखा, तो मैंने कहा चलो आज जाके बना लेती हूँ वीडियो, तो फिर आज मैं आ गई हूँ आपके लिए बनाने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेसेस है वहाँ पर भी जाऊँगी वीडियो बनाने के लिए। बिल मैंने इधर पे कर दिया, मैं तुम्हें आज यहाँ पे आई थी फर्स्ट टाइम, मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ करके खा लेते हैं, तो यहाँ पे और भी लोग आए हैं, तो ये अंकल है यहाँ पे, बिल पे कर दिया मैंने इनका। तो ये शॉप है इधर की, कुछ न्यू खुली है हमारे घर के पास ही है, ये शॉप है सारी।